जो पहले मकान बना लिया है उसकी दूसरी किस्त और तीसरी किस्त की भुगतान नहीं हो रही है, इसकी जवाबदेही कौन है? रामोली भैया, प्रति यूनिट 5 किलो के बदले 4 किलो दिया जाता है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, ये 1 किलो कौन काटता है? ये आपकी उपलब्धि है कि नहीं? परिवार पंचायत में मेरी पट्टी, मधुबनी जिला के परिवार पंचायत में दर्जनों किसान के द्वारा वृक्षारोपण लगाया गया है, लेकिन उनका लॉगिंग या पीओ के द्वारा नहीं खोला गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की राशि भुगतान की गई, लेकिन आधार में जो गड़बड़ियां है इसके लिए सुधार के लिए उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी राज्य सरकार को भेजी है, लेकिन यहाँ जवाब जवाब दिया गया है सुधार नहीं होगा। इसको मैं आपके लिए सदर पटल पर रख सकता हूँ प्रमाण के तौर पर, यही इनकी उपलब्धियां है। कितना लक्ष्य निर्धारित था उसमें से 35% सड़क की निविदा ही नहीं की गई है, तो लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे? लक्ष्य बनाना, बजट बढ़ाना तो आसान है, लेकिन उसे पूरा कौन करेगा? माननीय सुनील बाबू, ये तो हमारा स्वभाव आवाज सद भगवान के द्वारा दिया हुआ है, आपके यंत्र के द्वारा ये आवाज नहीं बढ़ा हुआ, यंत्र के माध्यम से आपकी आवाज बढ़ती है, लेकिन हमको तो भगवान के द्वारा दिए गए आवाज के आधार पर भी अपना विचार रखते हैं। जिस प्रकार से पूर्व वक्ता माननीय रीना जी के द्वारा, आदरणीय सुनील जी के द्वारा विषय आ रहा था, तो मुझे तो अपने विषय से पहले इन लोगों के द्वारा रखे गए विषय के संबंध में कुछ उपलब्धि बता रहे थे, तो ग्रामीण विकास विभाग की एक उपलब्धि, इनके सरकार की एक उपलब्धि है, जो वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की राशि भुगतान की गई, लेकिन आधार में जो गड़बड़ियां है इसके लिए सुधार के लिए उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी राज्य सरकार को भेजी है, लेकिन यहां जवाब जवाब दिया गया है सुधार नहीं होगा। इसको मैं आपके लिए सदर पटल पर रख सकता हूं प्रमाण के तौर पर, यही इनकी उपलब्धियां है। रीना पात राम, रंजीत पासवान, जो अनुसूचित जाति परिवार चाहते हैं उनके साथ ऐसा हुआ। और दूसरी बात, जल जीवन हरियाली की बात ही करते हैं, जल जीवन हरियाली की उपलब्धि के लिए मान रहे थे, लेकिन मैं तो कहता हूं परिवार पंचायत में मेरी पट्टी, मधुबनी जिला के परिवार पंचायत में दर्जनों किसान के द्वारा वृक्षारोपण लगाया गया है, लेकिन उनका लॉगिंग या पीओ के द्वारा नहीं खोला गया, ये क्या हो रहा है? यही उपलब्धि इनकी है। ग्रामीण विकास विभाग, कार्य विभाग, और उसमें इतना ही नहीं, पशु सेठ, दर्जनों लोग पशु सेठ बना लिए हुए हैं, उसकी भुगतान नहीं हो रही। और जो हमारे मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर, जिसमें जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो भूमिहीन परिवार के मजदूर हैं, उन्हें अब तक मात्र 100 दिन का काम, 3,007 लोगों को ही काम दिया गया है पूरे बिहार में। इनके द्वारा जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, गरीब के प्रति इनकी वचनबद्धता, इनकी कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया, यही उपलब्धि है इनकी, जिन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया। और दूसरी बात, 88.61 लाख है, लेकिन रोजगार मांगने वाले 90,000 लोगों में मात्र 3.34% लोगों को ही जॉब कार्ड दिया गया, ये बड़ी उपलब्धि है लोगों की। अरे इस उपलब्धियों पर जय जयकार मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आपको मुबारक हो आपकी उपलब्धियां। दूसरी बात, हमारे सुनील बाबू कह रहे थे खाद्य उपभोक्ता विभाग में जो 35 किलो अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न भारत सरकार की योजना है दिया जा रहा है, लेकिन माननीय सुनील बाबू जमीनी सच्चाई को आप भी जानते हैं, उसमें क्या हो रहा है? जो प्रति यूनिट 5 किलो के बदले 4 किलो दिया जाता है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, ये 1 किलो कौन काटता है? ये आपकी उपलब्धि है कि नहीं? यही उपलब्धि है, वितरण कौन कर रहा है? हम तो देने वाले हैं, हम तो भोज करने वाले हैं, आप बारीक हैं माननीय फारूक भाई साहब, ऐसे मुंह मत मोड़िए, जमीनी सच्चाई को स्वीकार किया जाए। और टोल फ्री नंबर से क्या होता है? दूसरी बात, उस नारबा चावल मिल की बात करते हैं, 21 प्रखंडों का पहली मधुबनी जिला है जिसमें एक उसना चावल का मिल है, आज भी पैक्स के कई सैकड़ों पर पैक्स के लोग यात्रा करते हैं। और इतना ही नहीं, कहते इतना लक्ष्य से अधिक धान खरीद लिए हैं माननीय सभापति महोदय, मधुबनी जिला में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था धान खरीदने का,
उस लक्ष्य को हटा दिया गया, उसको क्यों कम कर दिया गया? माननीय सभापति महोदय, यह उपलब्धि इनकी है। इतनी बड़ी उपलब्धियों के आप जायजाकार कर सकते हैं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक विषय टोकाटोकी में विषय नहीं कह पाते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में ग्रामीण कार्य विभाग में सड़क अनुरक्षण नीति बनाई तो लोगों में एक विश्वास जगा जाप गड्ढा से मुक्ति मिलेगी, सुंदर सड़क बनेगा। लेकिन आज मधुबनी जिला में 300 सड़क ऐसे हैं, 300 सड़क से ऊपर जिनका 8 साल से ऊपर हो गया है, उस तरह की आज तक मरम्मती नहीं कराई गई। जो विभाग को यहाँ सूची भी दिया गया है लेकिन आज तक उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। पिछले साल भी हम क्वेश्चन किए थे, इस साल भी क्वेश्चन किए हैं, आवंटन के आधार पर इसकी स्वीकृति की जाएगी। इतना ही नहीं, मैं ग्रामीण कार्य विभाग की एक उपलब्धि, हम केवल माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि 45 किलो अनाज का तो श्रेय ले रहे हैं, अच्छी बात है दे रहे हैं। 45 किलो नहीं माननीय भाई साहब, पूरी बुरी बात बोले बधिए, तो जरा वो अनाज बनेगा कैसे सिलेंडर पर? उस सिलेंडर का दाम बता दीजिए कि जितना दे रहा हूं कितना में पकेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा? 1500 रुपया हो गया सिलेंडर का दाम। माननीय सभापति महोदय, महंगाई, महंगाई जिस समय में महंगाई, सरकार आपकी हो या हमारी सरकार हो, महंगाई पर नियंत्रण करना हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है। आप यदि दर्द हो रहा है महंगाई से तो आप GST दर की कटौती कर दीजिए, गैस में कम दाम हो जाएगा। कर रहे आप अपने स्तर से तो प्रयास करिए, हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन आप यदि उसके हितैषी हैं, मन मार्ग है, तो आप उस GST में छूट देकर के सहायता दे सकते हैं, उनके शुभचिंतक बन सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 27 फरवरी को एक अधिसूचना निर्गत किया गया, मतलब दरभंगा में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग अधिसूचना संख्या 1036 के द्वारा उनका विभाग स्थानांतरित कर दिया गया, और अधिसूचना संख्या 1043 दूसरे अधीक्षण अभियंता को सीतामढ़ी और दरभंगा का प्रभार दिया गया। यह इनकी उपलब्धि है, आज तक वो अधीक्षण अभियंता प्रभार नहीं दे रहा है, यह इनकी उपलब्धि है, ये इनकी अधिसूचना है। माननीय तेजस्वी बाबू हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके सरकार का ये उपलब्धियां। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वहां एक सुभाष कुमार सहायक है जिसके गड़बड़िया के कारण वहां के कनीय अभियंता लेखापाल को हटा दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया, लेकिन अधीक्षण अभियंता जिनका स्थानांतरण कर दिया गया है, इसका अनुपालन अपनी सरकार अपने आदेश का अनुपालन कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा मजबूरी है, इसके पीछे सुनील बाबू विशेषज्ञ है, इसके पीछे क्या खेला हो रहा है, क्या पक रहा है, सुनील बाबू को विशेष जानकारी होगी, कुछ खेला जरूर हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना Phase 3 कई सड़कों की निविदा नहीं हो पा रही, तो आपके सामने आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, कितना लक्ष्य निर्धारित था उसमें से 35% सड़क की निविदा ही नहीं की गई है, तो लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे? लक्ष्य बनाना, बजट बढ़ाना तो आसान है, लेकिन उसे पूरा कौन करेगा? कौन आपका हाथ बांधे हुए है? कौन सा मजबूरी है इन विभागों में काम करने के लिए? और मधुबनी जिला में हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ बैठे हैं, आप सभापति महोदय, 5000 सरकारी तालाबे हैं जो आदेश अतिक्रमित है, दर्जनों बरसाती नदी है, कई बार जिला स्तरीय बैठक में भी और आप सदन में भी उस बरसाती नदी को राही करने के लिए, जो जल जमाव की समस्या से हम दूर हो सकते हैं, जल का संचय कर जब बनाकर जल का हम संग्रहण कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, लेकिन उसके लिए उसके दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। मनरेगा में काम आवंटित किया गया है, लोग काम कर लिए हुए हैं, लेकिन उसकी भुगतान नहीं हो पा रही। और
ये कहते हैं आवंटन, हमारे रामनी भैया बोल रहे थे कि आवंटन घटा दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, समय पर यदि उपयोगिता प्रमाण पत्र आप नहीं देंगे तो क्या आवंटन आपको मिलेगा? आप अपने कर्तव्य के पीछे हैं, आप अपने कर्तव्य को समझे, हम भी अपने कर्तव्य को समझेंगे। आप दोनों आदमी मिलकर के अपने अपने कर्तव्य के पथ पर चलिए, बिहार का विकास करने का संकल्प लीजिए और एक साथ मिलकर हम बिहार का विकास कर सकते हैं। आरोप पर प्रत्यारोप के आधार पर सिर्फ आप अपने आदेश का अनुपालन कराइए, यही तो हम चाहते हैं, हमारा यही मकसद है। आपको आरोप लगाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो आदेश पारित किया है, कम से कम अनुसूचित जात परिवार के लोगों का प्रधानमंत्री आवास की राशि जो नहीं मिल रहा है, वर्षों पहले मकान बना लिया है उसकी दूसरी किस्त और तीसरी किस्त की भुगतान नहीं हो रही है, इसकी जवाबदेही कौन है रामोली भैया? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसके लिए हम किसको कहने जाए? माननीय सभापति महोदय, इनकी उपलब्धि इनको मुबारक हो। यह बजट हताशा और निराशा में मनाया हुआ बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ करने जैसा यह बजट है, मैं इसका विरोध करता। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा, वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे एक गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबू जी, देश का बजट कैसा भी हो लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।